हेलो स्टूडेंट्स, गुड टाइम टू ऑल। आई एम चंदन कुमार प्रधान। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल चंदन फिजिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। लेट्स बिगिन। पूर्व वीडियो रे आमे नैनो मटेरियल्स कौन, नैनो साइंस क्या कहते, नैनो स्केल कौन, कहीं आम नैनो स्केल को व्यवहृत करुले नैनो साइंस रे, तबे एठारे आम नैनो मटेरियल्स पार्टिकल गुड़ी को क्लासिफाई करिबा। नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स बेस्ड ऑन द डाइमेंशंस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर मेनली ऑफ फोर टाइप्स। जितेबले आम लेंथ स्केल इन फिजिक्स को आलोचना कले आम देखिले जदि कौनसी मटेरियल थ्री डायमेंशनल मटेरियल को आम नेबा, जदि कौनसी एक डायमेंशन नैनो स्केल रेंज रे थाए, नैनो स्केल रेंज ता हेउची 1 नैनोमीटर रु 100 नैनोमीटर मध्य रे, तबे सेही प्रकार रो मटेरियल को आमे नैनो मटेरियल भाबरे कंसीडर करिबा। से बोली भाबरे जदि सेही थ्री डायमेंशनल मटेरियल टी रो कोनोसी डायमेंशन नैनो स्केल मध्य रे नथाए, तबे सेही प्रकार मटेरियल को आमे टेक्निकली कहिबा बल्क मटेरियल, अर्थात से डायमेंशन गुड़ी को बा से डायमेंशन गुड़ी कर लेंथ डी ब्रूकली वेवलेंथ किंबा बोर्स एक्साइटेशन ऑफ रेडियस संगरे कंपेरेबल, से थ्री डायमेंशनल मटेरियल को हमें बल्क बोली कहिबा। तबे नैनो मटेरियल गुड़िक बल्क एवं मॉलेक्युलर रेंज मध्य रे अवस्थित, से भली भाव रे नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल को क्लासिफाई कले जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एवं थ्री डायमेंशन आकार रे। के भली भाव रे जी गोटे आम थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल को कंसीडर करिबा, थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल यार लेंथ ब्रेथ एवं हाइट तीनोटी जाक डायमेंशन डी ब्रोगली वेवलेंथ एवं बोर्स एक्साइटेशन रेडियस, डी ब्रोगली वेवलेंथ किंबा बोर्स एक्साइटेशन रेडियस संगरे कंपेरेबल ताठारु अधिक, तबे से मटेरियल को आम कह बल्क मटेरियल। नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल कौन, कौनसी ना कौनसी डायमेंशन जदि कह नैनो स्केल रेंज रे थाए, गोटे नैनोमीटर रु 100 नैनोमीटर मध्य रे थाए, तो आपको आम नैनो मटेरियल कहीपर एवं जो टेक्नोलॉजी फल आम जनरल बल्क मटेरियल रु नैनो मटेरियल पाइबा से टेक्नोलॉजी के आम कहे नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो मटेरियल को क्लासिफाई कले जीरो डायमेंशन, जदि क ए बल्क मटेरियल टीर तीनोटी जाक डायमेंशन को आम रिड्यूस करदे नैनो स्केल रेंज को, तबे सेटा को आम कही गोटे जीरो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल। ऑल थ्री डायमेंशंस
आर कन्फाइंड इन ए नैनो स्केल रेंज। थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल मनकर लेंथ रे कमे कमे आसवा क्यों पर्यंत लेंथटा को नैनो स्केल भितर रखिले गोटे नैनोमीटर रु 100 नैनोमीटर भितर रखिले। अगेन ब्रेथ को कन्फाइनमेंट कले ताकू कौन से एक नैनो स्केल रेंज रखिले से भली भाव रे तर हाइट की कन्फाइनमेंट करी की नैनो स्केल मध्य रखिले तर तीनोटी जांको डायमेंशन वर्तमान कन्फाइंड हेगला इन ए नैनो स्केल रेंज। तबे ई थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल टी वर्तमान जो नैनो मटेरियल को कन्वर्ट हेला से नैनो मटेरियल को आम कहले जीरो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। तेरा गोटे भल एग्जांपल हेउची नैनो डॉट्स बता को कहा जाए क्वांटम डॉट्स नैनो डॉट्स किंबा क्वांटम डॉट्स जहाँकि जीरो डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल एक उदाहरण। यार विशेष प्रॉपर्टीज कौन इटी कुड पोटेंशियली स्टोर ओवर 100 टाइम्स मोर डेटा देन द प्रेजेंट हार्ड ड्राइव। यदि को आम क्वांटम डॉट बा नैनो डॉट को कौन सी कंप्यूटर रो हार्ड ड्राइव रे यूज करिबा तबे जनरली जो हार्ड ड्राइव आम व्यवहृत करुचे जदि ताहा जिते अमाउंट रो डेटा स्टोर करूला तबे नैनो डॉट बा क्वांटम डॉट रो व्यवहृत फल रे ता प्रेजेंट रे व्यवहृत होता हार्ड ड्राइव रो स्टोर डाटा ठारु हजारे गुण रे अधिक डाटा स्टोर कर पार ताकि एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस क्वांटम डॉट बा नैनो डॉट। तबे यहाँ आम नैनो डॉट बा क्वांटम डॉट कहीं कहे क्वांटम डॉट कहार जस्टिफिकेशन कौन जिते बड़े नैनो टेक्नोलॉजी रो डिस्कवरी करा गला से समय मुख्यतः दुई प्रकार रो फिजिक्स संपर्क रे डील करा जाउथिला गोटे है क्लासिकल फिजिक्स अन्यटे है क्वांटम फिजिक्स। जेहेतु पार्टिकल गुड़ी को माइक्रोस्कोपिक लेवल रे 10^-9 जाको आम गोटे नैनोमीटर कहचे 10^-9 मीटर तबे से माइक्रोस्कोपिक लेवल रे से पार्टिकल गुड़िकर प्रॉपर्टीज रे परिवर्तन घटुथिले। जनरली क्वांटम मेकानिक्स से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रो फेनोमेनन गुड़ी को भल से एक्सप्लेन करि पारुछि तेणु करी ताकु आमे क्वांटम डॉट्स नामकरण करथिले नैनो डॉट किंबा क्वांटम डॉट। अन्य एक क्लासिफिकेशन वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल से भली भाव रे यदि कौन सी बल्क मटेरियल रो आमे दुईटी डायमेंशन रे कन्फाइनमेंट करिबा दुईटी डायमेंशन को आमे नैनो स्केल रेंज रे रखिबा एवं अन्य जो डायमेंशन टी रहिला ता ऑब्वियसली बल्क मटेरियल रेंज किंबा मॉलिक्युलर रेंज रे रहिबा तबे सही प्रकार नैनोस्ट्रक्चर मटेरियल को हमें वन डायमेंशनल नैनोस्ट्रक्चर मटेरियल बोली कंसीडर कर वन डायमेंशनल नैनोस्ट्रक्चर मटेरियल कौन टू डायमेंशंस आर कन्फाइंड इन नैनो स्केल रेंज। दुईटी डायमेंशन नैनो स्केल रेंज रे कन्फाइंड हो व्हेयर एज वन डायमेंशन नॉट इन दैट ऑफ रेंज गोटे डायमेंशन नैनो स्केल रेंज रहिबो नै त केउ रेंज रहिबो आइदर ता बल्क रेंज रहिबो किंबा मॉलिक्युलर रेंज रहिबो। मे पूर्व वीडियो रे हम लक्ष्य करथिले बल्क दिस इज नैनो दिस इज मॉलिक्युलर ए भली फॉर्मेट हमर थिला बल्क तीन डांग डायमेंशन लेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ किंबा बोर्स एक्साइटेशन रेडियस ठारु अधिक
इसलिए ताको बल्क मटेरियल कहिबा। नैनो तार कौन सी गोटे डायमेनसन नैनो स्केल रेंज गोटे नैनोमीटर रु 100 नैनोमीटर भितर थिले ताको आमे नैनो मटेरियल पार्टिकल कहिबा। मॉलिक्यूलर रेंज एगेन तार कौन सी गोटे लेंथ जदि को आमर कार संगे कंपेरेबल डी ब्रोग वेव लेंथ किंबा बोस एक्साइटेशन रेडियस संगे कंपेरेबल तबे ताको आमे मॉलिक्यूलर रेंज बोली कहिबा। वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल रे यार दुईटी डायमेंशन को आम कन्फाइन करदे रिड्यूस करदे नैनो स्केल रेंज रे जहाँफर अगर गोटे डायमेंशन आइदर बल्क रिंबा मॉलिक्यूलर रेंज रेबे से ही प्रकार नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल को आम वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल भाव में क्लासीफाई कले। उदाहरण होउछि नैनो वायर नैनो रॉड्स वन डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल एक उदाहरण। नेक्स्ट टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल तो माने आमे गोटे डायमेंशन को कन्फाइन करदे नैनो स्केल रेंज रे जहाँफल अन्य दुईटा जाक डायमेंशन बल्क किंबा मॉलिक्यूलर रेंज रे रही तेणुक से प्रकार नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल को आमे क्लासीफाई करके कह टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल बोली। ओनली वन डायमेंशन इज कन्फाइंड इन नैनो स्केल रेंज एंड अनदर टू आर इन बल्क और मॉलिक्यूलर रेंज से प्रकार नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल को टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल भाव में क्लासीफाई करागला। उदाहरण होउची थिन फिल्म। थिन फिल्म एक टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल उदाहरण। अन्यटी होउची थ्री डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल। थ्री डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल कौन लक्ष्य कर दिस इज ए बल्क मटेरियल तीन टा डायमेंशन अच्छी जदि प्रत्येक डायमेंशन बामे कहि दे परबा ए थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल टी जदि केतेक नैनो पार्टिकल कि नहीं कि गठित हो जीवो केतेक नैनो पार्टिकल मिसिकी जदि गोटे थ्री डायमेंशनल मटेरियल फॉर्म करिवो थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल फॉर्म करिवो तेज से ही प्रकार थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल को आम थ्री डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल कही दे पारिबा। अगेन आई रिपीट जदि क नैनो पार्टिकल्स गुड़िक मिसिकी एक थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल फॉर्म करे तेबे से ही प्रकार बल्क मटेरियल वर्तमान कौन कह ना थ्री डायमेंशनल नैनो पार्टिकल बल्क मटेरियल तुम से बल्क मटेरियल रो सेफ्टी इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल गुड़ी को लेकिन गठित दिज नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स आर बल्क मटेरियल्स एंड दिज आर कंपैक्ट और कंसोलिडेटेड दैट इज बल्क पॉलीक्रिस्टल्स विथ नैनो साइज ग्रेन्स मैंने प्रत्येक मनकर आम थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल ए भलिया गोटे शेप को फॉर्म करिया पई चाहुचे तबे हम प्रत्येक डायमेंशन को जदि हम नैनो पार्टिकल द्वारा फिल अप कर दे परिबा ए भलिया गोटे शेप को हम तयारी कर दे परिबा नैनो पार्टिकल मन को नेकी तेणु करी से प्रकार बल्क मटेरियल को थ्री डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर बल्क मटेरियल कहा जाय पारे। तार उदाहरण होची ग्राफाइट पॉलीक्रिस्टल्स एगुड़िक थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल एक उदाहरण। तेणुकरी एक वीडियो माध्यम रे आमे नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स संपर्क में आलोचना कले विशेष करी नैनो मटेरियल्स गुड़ी क्लासीफाई कले चारि प्रकार क्लासीफाई कले जीरो डायमेंशन वन डायमेंशन टू डायमेंशन एवं थ्री डायमेंशन। जीरो डायमेंशन क्षेत्र में आम देखिले तार तीन टाक डायमेंशन को आम नैनो स्केल रेंज को आने हरी उदाहरण नैनो डॉट बा क्वांटम डॉट। वन डायमेंशन सिचुएशन रे आम दुईटा जाक डायमेंशन को कन्फाइंड करदे नैनो स्केल रेंज रे जहाँफल गोटे डायमेंशन बढ़ीगला सी के रेंज रे रही बल्क किंबा मॉलिक्यूलर रेंज रे रही उदाहरण नैनो वायर नैनो रॉड्स ठीक से भाई भाव में टू डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल गोटे डायमेंशन को आम नैनो स्केल रेंज रे कन्फाइंड कले जहाँफल अन्य दुईटी जाक डायमेंशन के रेंज रही ना बल्क किंबा मॉलिक्यूलर रेंज रही पारे उदाहरण होउची थिन फिल्म।
सेवल भावरे थ्री डायमेंशनल नैनोस्ट्रक्चर मटेरियल क्षेत्र रे हमें गोटे थ्री डायमेंशनल बल्क मटेरियल को फॉर्म करले जहाँकि केते गुड़े नैनो साइज ग्रेन्स नैनो साइज पार्टिकल को लेकिन जहाँ को हमें क्लासीफाए करके लिखिले थ्री डायमेंशनल नैनोस्ट्रक्चर मटेरियल्स उदाहरण ग्राफाइट और पॉलीक्रिस्टल्स। सो विथ दिस यूजफुल एंड इनफॉर्मेटिव नोट्स लेट मी वाइंड अप द सेशन। थैंक यू।